हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिफोर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे को इनिशियल, को लीनियर एंड को प्लानर वेक्टर्स। सो सबसे पहले बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स को हम समझेंगे बुक की डेफिनेशन से, क्योंकि हम उसी डेफिनेशन को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। टू और मोर वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम इन अ वेक्टर प्लेन आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा एक वेक्टर प्लेन पे, यहाँ पे वेक्टर प्लेन को हम समझते हैं कोई भी फ्लैट सरफेस। तो ये एक फ्लैट सरफेस है। इसी तरीके से मैंने एक दो वेक्टर्स बनाए हैं जो एक फ्लैट सरफेस है, मैंने दिखाए हैं। अब फ्लैट सरफेस तो ऑलरेडी ये है क्योंकि हम इसको पेपर पे कर रहे हैं। सो एक तरीके का वेक्टर प्लेन की बात कर रहे हैं जिसमें वेक्टर्स हैं। तो यहां पे अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया तो उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कह देंगे। तो जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है एंड जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। इस तरीके से सेम इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर बी भी आया एंड सेम इनिशियल पॉइंट से मैं वेक्टर सी भी यहां पे लेके आ रही हूं। सो इन तीनों वेक्टर्स का जो कॉमन पॉइंट है वो अपना ओ पॉइंट है, जो कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इन वेक्टर्स को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अब समझते हैं अपना को लीनियर वेक्टर्स को। को लीनियर वेक्टर्स को हम कहेंगे, यहाँ पे बुक की डेफिनेशन से को ही रेफर कर रहे हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी को लीनियर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम को लीनियर तब कहेंगे अगर वो पैरेलल होंगे सेम लाइन के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम लाइन के पैरेलल होने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। हमने देखा था कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोलीनियर वेक्टर्स तब कहेंगे जब वो एक ही लाइन में रह के पैरेलल हम देखे जा सकते हैं या पैरेलल है। तो उस अकॉर्डिंग ऐसे वेक्टर्स को हम इस तरीके से नहीं कहेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। अब सेम को हम एक और डेफिनेशन से समझते हैं। वेक्टर्स दैट लाई अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर नोन टू बी कोलीनियर वेक्टर्स। तो इसको एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना होने पर भी उन्हें हम कोलीनियर वेक्टर्स कहेंगे। जैसे कि अपने पास इधर है एक वेक्टर ए एंड सेम मैंने एक और पैरेलल वेक्टर बनाया, मतलब वो पैरेलल है इस वेक्टर के, जो हो गया वेक्टर ए नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर ए मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो इन दोनों वेक्टर्स को भी हम कोलीनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है या उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे कि आप देखेंगे इस ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है एंड इस नेगेटिव ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इन तरीके के वेक्टर्स को भी हम कोलीनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। या फिर एक सेम लाइन पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, और वो आपका फर्क नहीं पड़ता कि उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर हो सकता है कि एक वेक्टर इस तरफ को भी डायरेक्शन उसकी है, तो एक वेक्टर डी हो गया, तो वो सेम लाइन पर अगर हैं तो उनको भी हम कोलीनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हम कैसे कोलीनियर वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं और कोइनिशियल वेक्टर्स को भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनकी क्या पिक्चर हमें लेकर चलनी है अपने आगे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड वेक्टर्स की। थर्ड वेक्टर अपना है को प्लानर वेक्टर्स। को प्लानर वेक्टर है कि एक ही प्लेन पर अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो उनको हम को प्लानर वेक्टर्स कहेंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन है इधर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी को प्लानर वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। एक प्लेन पे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तो अगर इस तरीके से वेक्टर्स एक प्लेन पर हैं, तो उनको हम को प्लानर वेक्टर्स कहेंगे।
अब अपना आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं. ये हो गई कोइनिशियल, कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर्स. सो वेलकम बैक. अपने पास अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बात करते हैं दो वेक्टर्स के एडिशन की. सो अभी हम देखेंगे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, इन दोनों का सम हो रहा है, तो इसलिए हम इनको साथ में ऐसे कंबाइन करके ड्रॉ किया है. तो एक वेक्टर ए और बी को हम डिनोट कर रहे हैं ए, बी और सी से. अब यहाँ पे एक वेक्टर अपने पास ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक वेक्टर ए इक्वल्स टू हो गया ए बी के, एंड बी वेक्टर हो गया इक्वल्स टू बी सी वेक्टर के, राइट. तो अगर मैं ए और सी को भी कंबाइन कर दूं, तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू होगा ए बी के, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू हो गया ए प्लस बी वेक्टर के. हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं. एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों का सम किया तो वो हो गया ए प्लस बी. तो अपने पास आया, सो वी गेट, सबसे पहले लेट कर लेते हैं इधर कि हम यहां पे इस तरीके से प्रूफ दिखाएंगे. लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, एंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए प्लस बी वेक्टर. सो ये हो गया अपने पास ए और बी वेक्टर, एंड सेम एज इट इज मैं ए प्लस बी, अगर मैं जैसे मैंने ए सी को कंबाइन किया तो मैं ए प्लस बी वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, ए सी वेक्टर. सो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए सी वेक्टर हो गया अपने पास ए प्लस बी वेक्टर. क्या मैं ए और बी की जगह पे उनके वेक्टर पोजीशन की वैल्यू लिख सकती हूँ, जैसे ए सी की फॉर्म में ये लिखा है, तो ए की जगह मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी को मैं कह सकती हूँ बी सी. तो ये हो गया अपना एडिशन किन्हीं दो वेक्टर्स का. तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका सम आपका इक्वल होगा ए प्लस बी वेक्टर के. इस वेक्टर के एडिशन को हम कहते हैं, क्योंकि इस वेक्टर से हमें क्या फॉर्म होके मिला, एक ट्रायंगल फॉर्म होके मिला, राइट. हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होके मिला, तो इस तरीके की फॉर्म को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह लेते हैं. तो ये अपना जो अपना डिराइव हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, दिस इज नॉट विजिबल, सो इधर मैंने ये मेंशन किया है. तो ये हो गया अपना एडिशन ऑफ वेक्टर का पहला लॉ, जो कि दो वेक्टर के एडिशन को करने से हमें एक ट्रायंगल बना, तो एक ट्रायंगल मिला जिस ट्रायंगल के लिए दो साइड का सम उसकी तीसरी साइड के इक्वल हो जाता है, तो इसको हम कह देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, नेक्स्ट अपने पास यहां पे आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब जैसे डिराइव हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिराइव होगा. तो ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम. एक वेक्टर ए है, सेम एक वेक्टर बी है, ए प्लस बी वेक्टर है. तो यहां पे अपने पास बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन अपने को मिला ए सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस बी सी वेक्टर के. सो ये हो गया अपने पास ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी वेक्टर. अब अपने को इधर प्रूफ करना है पैरेललोग्राम. सो हम पैरेललोग्राम के लिए
दूसरी साइड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि एक पैरेललोग्राम में उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा बी वेक्टर एंड सेम ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर। ये साइड्स हो जाएंगी ए बी सी एंड डी। ओके, सो हमारे पास निकल के आया कि ये बी सी इक्वल है ए डी के एंड ये ए बी इक्वल है डी सी के और सी डी के, सॉरी ये इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ को, तो हम इसको डिनोट करेंगे डी सी। तो यहां पे अगर हम बात करें एक साइड बी सी की एंड ए बी की, तो इस तरीके की फिगर को हमने देखा था अपने पास ट्रायंगल लॉ में, जिसमें दो वेक्टर्स की बात हो रही थी, एंड सेम वही दो वेक्टर्स यहाँ पे भी है, लेकिन वो अब एक पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो ए डी वेक्टर और डी सी वेक्टर। अब यहाँ पे हमें दो साइड इसकी दिखानी होगी कि इन दोनों का एडिशन अपना ए प्लस बी ही हुआ, राइट? ए वेक्टर, क्योंकि बी सेम ही है, तो अगर ये बी इधर है तो अपना ए और ए बी इक्वल्स टू सॉरी ए बी प्लस ए डी इक्वल होगा ए प्लस बी वेक्टर के। तो देखते हैं कैसे। तो यहां पे अपने को ये मिला, लेकिन बट जो ये बी सी है ये तो इक्वल है किसके, ए डी वेक्टर के, जो कि क्या है बी वेक्टर। तो क्या हम बी सी की जगह पे लिख सकते हैं ए डी को फ्रॉम दिस इक्वेशन? सो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं ए सी इक्वल्स टू ए बी, आई होप ये विजिबल है, हाँ ये विजिबल है, प्लस ए डी वेक्टर के। तो ये हो गया अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया इससे, एक साइड इधर एक साइड इधर एंड ये बीच में हो गया डायगोनल, एंड अगर हम साइड्स को कंबाइन कर दे तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इस तरीके से हमने यहां पे देख लिया एक पैरेललोग्राम। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज इट, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज को और देखने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन के बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने पास आएंगी, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, डिफरेंस के लिए प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि अभी हम एडिशन से शुरू किया हमने वेक्टर्स के, देन मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को अगली वीडियोस में रिज्यूम करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। तो हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।